नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट की घोषणा पिछले दिनों की थी। वहीं सीएम योगी के गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा होने के बाद लगातार चर्चा हो रही थी कि क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। वहीं सूत्रों के हवाले से पता चला है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख और आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 लड़ेंगे। गौरतलब है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहां तक सीट का सवाल है तो अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चर्चा है कि अखिलेश यादव पूर्वांचल या मध्य यूपी की किसी सीट से तीसरे और चौथे चरण में चुनाव लड़ सकते हैं। तो अखिलेश यादव आजमगढ़ से फिलहाल सांसद है और अभी ये तय नहीं हो पाया है कि वो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं फाइनल होता नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। फिलहाल उनके लखनऊ से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस है। सूत्रों के मुताबिक मुलायम ने सहमति नहीं दी है। बता दें कि अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि उन्हें बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पिछले कुछ दिनों से अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी तेज थी। वहीं कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ वो करती हुई नजर आई हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मुरादाबाद के विधानसभा 29 कुंदुरकी की जनता ने मौजूदा सपा के विधायक हाजी रिजवान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और नाराजगी जाहिर की है। विधानसभा 29 कुंदुरकी से समाजवादी पार्टी से नए चेहरे को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उतारने की मांग की है। विधानसभा 29 कुंदुरकी की जनता ने प्रदर्शन कर कहा है कि 29 कुंदुरकी विधानसभा से सपा के विधायक हाजी रिजवान पिछले 10 सालों से विधायक रहते चले आ रहे हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र में इनकी तरफ से 10 सालों में विकास कार्य नहीं किया गया। विरोध ये कर रहे हैं हाजी रिजवान ने हमारे जैसे युवाओं के 10 साल खाली है साथ, पूरा कोई काम नहीं किया। पिछली बार 5 साल सत्ता में थे तब उन्होंने गांव गांव डीलरों प्रधानों से बीडीसी मेंबरों से प्रमुखों से सबसे चंदा उगाही का काम करा और हमारे जैसे नौजवान लोगों के लिए आज तक कभी कुछ नहीं करा। किसी तरह ना शिक्षा पर कोई व्यवस्था है उनकी विधानसभा के अंदर, ना ही रोजगार, तो छोड़िए खैर विकास पर कुछ नहीं है। आप ये चाहते हैं कि हम ये समाजवादी पार्टी के एक समर्थक होने के नाते मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस सीट पर जो भी प्रत्याशी, हालांकि रिजवान साहब को हटा के अदर वाइज किसी को भी दिया जाए। हम भाई साहब इस मांग को लेकर के कर रहे हैं कि हमें विधानसभा कुंदुरकी 29 से नया प्रत्याशी चाहिए। जो प्रत्याशी हमारे बीच में थे रहे, अब उन्हें नहीं चाहते, नए प्रत्याशी को यहाँ से घोषित किया जाए और हम अखिलेश भैया के साथ हैं। तो जो विधानसभा में हाजी रिजवान विधायक है मौजूदा कुंदुरकी विधानसभा से, क्या बचाए जी जो नहीं चाहते उन्हें आप, क्या बचाए जी? देख लिया बतेरा, उनके कारनामे अच्छे ना रहे, पब्लिक नाराज है, खाली मैं दे दूंगा, पूरा जनता नाराज है उनसे। कैसे नेता चाहते हो आप? हम चाहते हैं क्या जनता के बीच में रहने वाला वो होना चाहिए नेता, और नया नए वो होना चाहिए साहब। ये 29 से हम दूसरा विधायक चाहते हैं हाजी रिजवान से अलग। इन्होंने कोई काम हमारे यहाँ ऐसा करा नहीं जो पब्लिक सुझदा रहती। हम दूसरा विधायक नया चाहते हैं, जैसे नौजवान, जैसे हमारे अखिलेश भैया हैं। नौजवान तो बीजेपी से आए हैं, बीजेपी से भी आए हैं, बीजेपी से हमें कोई मतलब नहीं, हम सब समाजवादी वाले हैं, समाजवादी वाले लड़के हैं। ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी वाले हैं हम, समाजवादी में ही रहेंगे, अखिलेश भैया का हम पालन करेंगे। क्यों विरोध कर रहे हैं आप उनका, हाजी रिजवान का? साहब हाजी रिजवान ने कोई काम नहीं करा हमारे यहाँ 76 में, पूरी पब्लिक नाराज है उससे, से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर 10 सालों से विधायक रिजवान रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है, जिसकी वजह से आम जनता में अब नाराजगी नजर आ रही है।
बरेली में टिकट नहीं मिलने से नाराज बरेली 103 विधानसभा के विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भड़तौल की भावुक पोस्ट राम राज्य में जनक हार गया तेजी से वायरल हो रही है। पप्पू भड़तौल ने गोदली बेटी सीता के साथ एक स्केच को फेसबुक पर पोस्ट किया, साथ ही उन्होंने लिखा कि राम राज्य में जनक हार गया, उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसा है। सिद्धार्थनगर के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस और सर्विलांस और स्वाट टीम ने 8 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने पकड़ गए चोरों के पास से 8 मोटरसाइकिल और 1 देसी रिवॉल्वर, 1 कारतूस बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार चोरों को जेल भेज दिया है। देखिए, थाना सिद्धार्थनगर पर 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 लोग बिहार के रहने वाले हैं, राहुल यादव और विशाल यादव, और कुछ लोग हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, अक्षय रस्तोगी और अमित रस्तोगी। एक वाहन चोर गैंग है ये, 8 लोगों का एक वाहन सुनियोजित गैंग है, जो बिहार से आके चोरी की मोटरसाइकिलों को जनपद सिद्धार्थनगर में बेचते हैं और जनपद सिद्धार्थनगर की बाइक को चोरी करके अब बिहार तक बेचते हैं। 8 मोटरसाइकिलें पुलिस ने, SOG की टीम ने, सर्विलांस और थाना पुलिस ने इसमें बरामद की हैं। उनमें से 4 बाइक जो हैं कनेक्ट हो गई हैं, उनके संबंध में अभियोग भी पंजीकृत। इसके लिए 20,000 इनाम मेरी तरफ से दिया। सर, कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे लोग पकड़े? देखिए, लोग पुलिस की टीम चेकिंग में लगी हुई थी, तभी अक्षय रस्तोगी नाम का जो लड़का है वो एक बाइक से आया। जब उस बाइक के कागज चेक किए गए तो बाइक फर्जी पाई गई, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका गलत पाया गया। चंदौली के सकलडीहा थाना क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बाद जल्दबाजी में बाइक सवार युवक रेलवे लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच ट्रेन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही भ्रष्टाचार को कम करने के लाख दावे करे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के दावे को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। ताजा मामला संत कबीर नगर का है, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने 20,000 की घूस लेते ट्रेजरी ऑफिस में तैनात लेखपाल बाबू को रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं एंटी करप्शन टीम अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। संत कबीर नगर की तस्वीरें, जहां पर घूस लेते पकड़े गए लेखाकार बाबू, और फिलहाल जांच पड़ताल इस पूरे मामले में की जा रही है। तो संत कबीर नगर की तस्वीरें, जहां पर 20,000 की रिश्वत लेते लेखाकार पकड़ा गया। बादराबाद में ज्वालापुर विधानसभा के क्षेत्र गढ़ में BST प्रभारी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्वालापुर विधानसभा 27 के क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर्स, दीवारों पर बनाए गए प्रचार पेंटिंग को हटाने का काम किया गया है। इसके साथ साथ आदर्श आचार संहिता के नियमों से स्थानीय जनता को भी जागरूक किया गया। ये गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यह है कि 5 लोग से ज़्यादा कहीं इकट्ठा नहीं होंगे। कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना, आचार चुनाव आचार संहिता का भी पालन करना है। ये 27 विधानसभा ज्वालापुर ग्राम गढ़, जहाँ से लोगों को बताया गया कोई पालन नहीं, कार्रवाई होती है उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं, लोग मान जाते हैं। यहाँ पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत वोटरों को काफी ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा जो दीवारों पर पोस्टर्स लगे हुए हैं उन्हें भी हटाने की पुरजोर यहां पर कोशिश की जा रही है। पौड़ी में रैंडस्टोन वन प्रभाग में एक नर हाथी का शव मिलने पर वन विभाग में हड़कंप मच गया। महिलाओं ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद लालपानी चौकी से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सूचना के बाद रेंजर प्रदीप उनियाल भी मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। वही हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
यूपी में कोरोना के 14,803 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 20,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से रिकवर हुए। सबसे ज्यादा मामले लखनऊ से आए, जहां 2,173 नए मरीज मिले। इसके साथ ही एक मरीज की मौत भी हो गई। वहीं 3,007 मरीज रिकवर हुए हैं। लखनऊ में फिलहाल 16,823 सक्रिय मरीज हैं। इससे पहले सोमवार को भी लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और दो अन्य जिला स्वास्थ्य अधिकारियों सहित 2,716 केस मिले थे। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल, एसीएमओ डॉक्टर आरवी सिंह और एसीएमओ डॉक्टर अभिलाषा 86 स्वास्थ्य कर्मियों में शामिल थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 अधिकारियों में हल्के लक्षण हैं और वो होम आइसोलेशन में हैं। साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों का भी टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा हेल्थ चेकअप के लिए अलग अलग अस्पताल में पहुंची 9 गर्भवती महिलाएं भी कोरोना संक्रमित पाई गई थी। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहां पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहां पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे को डर भैया। तो अपना ने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसी एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून। मोबाइल नंबर 9319700579। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ,
उसी पे बात करता हूं। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है इस आंदोलन में, बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है? हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। बरेली के महसूस फरीदपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने बेटी को जन्म दिया। वहीं नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। वहीं पीड़िता के परिवार ने आरोपी से शादी करने की गुहार लगाई तो आरोपी पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं बिना शादी के मां बनी बेटी को लेकर परेशान परिजन अब अपमानित महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की तारीख घोषित की गई। सभी पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतरकर अपनी किस्मत की आजमाइश में जुट गई है। उत्तराखंड सियासत में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी अपनी मजबूत दावेदारी मान रही है। इस दौरान किसानों का बहुमूल्य क्षेत्र माने जाने वाले हरिद्वार के किसानों का वोट डालने का अंदाज अलग तरीके का है। मंगला क्षेत्र के एक गाँव में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से भी चुनावी चर्चा की गई, जिसमें किसानों ने बताया कि 13 महीनों तक किसान धरने पर बैठे रहे, 700 किसान शहीद हुए, किसानों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। चुनाव को लेकर जो किसान मूड है, मुख्य रूप से हमारे यहाँ हरिद्वार में गन्ने की फसल होती है। गन्ने की फसल में पिछले 4 सालों में इन्होंने कुल 25 रुपये बढ़ाए, तबकि उत्पादन कितना, कितनी लागत आई हुई है, पेस्टिसाइड का क्या रेट है, खाद का क्या रेट है, 1200-1300 रुपये के TAP इकट्ठे आते हैं। इसलिए क्या होता, क्या 10-5 रुपये बढ़ाने से क्या होता, सरकार के प्रति किसान का रवैया बहुत सख्त है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और किसान, और अब भी किसान जितना भी होगा सब भाजपा के विरोध में वोट देगा और इस भाजपा सरकार को यहाँ से दफा करना होगा, निश्चित दफा के। किसानों का मूड, ये जो हरिद्वार हमारा किसान बाहुल्य क्षेत्र, जैसा आपने बताया यहाँ किसान प्रभावित करते हैं ज़्यादातर हरिद्वार में, तो यहाँ हमारा अभी किसी एक पार्टी को समर्थन नहीं रहेगा, क्योंकि हमने 700 किसान अपने दिल्ली के अंदर खोए। 13 महीने तक हमने वहाँ संघर्ष कराया, बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने किया और सरकार ने कानून वापस लिए। कहना जी, जो हमारा 13 महीने जो आंदोलन दिल्ली के अंदर चला, 750 किसान हमारे जो वहाँ से मर चुके हैं, शहीद हो गए। आज तक मोदी ने उनके लिए एक शब्द भी यो नहीं बोला, भाई किसान यहाँ से कितनी ठंड में, बारिश में, गर्मी में यहाँ रह रहे हैं। तो हमारा तो ये कहना है, जो हमारा भी कैंडिडेट खड़ा होगा, जो यहाँ से भाजपा कैंडिडेट को हरा होगा, तो हमारा तो समर्थन उसी आदमी होगा जो हमारा भाजपा को हारते हुए हरा और अपने जीतते को हमारा आदमी वोट देगा। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने पुलिस को देखते ही तमंचे से फायरिंग की और भागने की कोशिश की, जिस पर जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने गोली चलाई तो आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद आरोपी गिर गया और पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया है। वहीं इस घटना में थाने में तैनात दारोगा भी घायल हो गया, जिसे CHC में इलाज के लिए भेजा गया है। झांसी की RH थाना पुलिस ने चुनाव से पहले चेकिंग के दौरान 18 लाख की नकदी पकड़ी। और नकदी कहां से आई और कहां ले जाया जा रही थी, इसकी जांच शुरू कर दी है। RH थाना प्रभारी त्रिदीप कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए कोटरा पुल के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मऊरानीपुर की ओर से आती हुई एक स्कॉर्पियो नजर आई। शक होने पर कार को रोका गया, तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसमें 18,08,400 रुपये बरामद किए गए। आप सभी सादर अवगत है, जनपद झांसी के अंदर SSP सर के निर्देशन में एक चेकिंग अभियान चल रहा है। क्यों? क्योंकि आचार संहिता लगी है और चुनाव
इलेक्शन मोड में, तो उसी प्रवृत्ति में एसओ एनएच और एसओ का कार्रवाई जालौन बॉर्डर पर चेकिंग कर रहे थे, तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो मरवंतपुर से झांसी मरवंतपुर से उरे की तरफ जा रही थी आदि दिखाई दी। इन्होंने दोनों ऑफिसर्स ने रोका, उसको रोक करके तलाश ली, उनके पास दो बैग दिखाई दिए, क्योंकि बैग दिखाई दिए तो जान कही उसमें पैसा था। तभी एसओ एस दोनों एसओ साहिबान ने संबंधित अधिकारी को, सीओ साहब को, एसडीएम साहब को बुलाया गया, उनकी उपस्थिति में ये सब कार्रवाई हुई। जो एक तरफ बीजेपी दलित मोह को दिखाने के लिए घर घर जाकर खाना खा रही है और तस्वीरें साझा कर रही हैं, तो वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने चुनाव की वजह से मजबूरी में दलित के घर खाना खाया, इसके बाद उस दलित का मजाक बनाया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सांसद रवि किशन के वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरीके से दलितों का मजाक बनाया जा रहा है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि दलित का पसीना महकता है, उससे बदबू आती है। वहीं रवि किशन की फोटो पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी करारा जवाब दिया है। मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा से घोषित बीजेपी के प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर मुजफ्फरनगर के भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान सभी पत्रकारों ने प्रशांत गुर्जर को बधाई दी और उनसे बात की। इस दौरान प्रशांत गुर्जर से पूछा गया कि आप किन मुद्दों को लेकर मीरापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने बीजेपी के द्वारा किए गए सभी विकास कार्य को ही गिना पाए। उन्होंने अपना कोई मुद्दा मीरापुर विधानसभा की जनता के लिए तैयार नहीं किया। ये सब काम जो हाईवेज बनाए हैं, शौचालय घर घर में मोदी जी ने बनाने का काम किया है, लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, आप मैं मुजफ्फरनगर में बैठा हूँ, मुजफ्फरनगर में आपने दंगा देखे होंगे, लेकिन पिछले 5 साल में आपने दंगा नाम की कोई बात सुनी नहीं होगी, पिछले 5 साल में आपने कोई अपहरण की बात नहीं सुनी होगी, कोई बलात्कार की बात नहीं सुनी होगी, तो सब लॉ एंड ऑर्डर सब योगी जी का इतना बढ़िया चल रहा है, इतना बढ़िया देश का विकास हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, किसानों के गन्ने के 30 रुपये बढ़ाए हैं, और इतना रुपया शुगर मिल का जो 5 साल तक का बकाया था वो भी देने का काम सरकार कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि जनता सब कुछ देख रही है। विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सभी पार्टियों के घोषित प्रत्याशियों ने नामांकन किया। कचहरी परिसर में स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंच प्रत्याशियों ने नामांकन कोरोना गाइडलाइंस और आचार संहिता के दायरे में किया, जिस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट रहा। मुद्दे हैं, भाजपा ने मुद्दे छोड़ दिए पूरे 5 साल में, और तो कुछ काम किया नहीं। तमाम मुद्दे हैं, आज किसान, बेरोजगार नौजवान है, मजदूर परेशान है, तमाम वर्गों आज सारे उत्पीड़ित हैं सब वर्ग, और आज इतनी स्थिति खराब है पूरे उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था को ले लो, हर चीज़ को, कोई विकास कार्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक उन धार्मिक उन्माद फैलाने का पूरे 5 साल काम किया गया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। हम जो है गठबंधन जो है पूरा भाईचारा पैदा करना चाहता है, इस प्रदेश में विकास करना चाहता है, और विकास के ही मुख्य रूप से विकास के मुद्दे को लेकर ही हम लोग इस क्षेत्र में उतरने काम करेंगे चुनाव। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।